अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने का द्वार कहा गया है। तीसरे नेत्र को अर्थात थर्ड आई चक्रा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखें तो पीनल या पाइनल ग्लैंड। थर्ड आई चक्रा या तीसरा नेत्र जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन से जुड़ते हैं यानी सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड डिवाइन के साथ एक तार से हर वक्त कनेक्ट होता है। क्या होता है जब किसी का तीसरा नेत्र खुल जाता है या कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, तब उस व्यक्ति को कैसे अनुभव होते हैं, उसके साथ क्या होने लगता है? थर्ड आई जो कुछ हम भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते, अपनी फिजिकल आईज से नहीं देख सकते, वो चीजें हम अपनी थर्ड आई या आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। ये वही दिव्य दृष्टि है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं या तीसरा नेत्र कहते हैं। क्या किसी व्यक्ति की थर्ड आई या तीसरा नेत्र पूरी तरीके से जागृत हो सकती है? या अगर किसी की थर्ड आई कंप्लीट एक्टिवेट हो जाए तो क्या होता है? तो आज हम कुछ साइन जानेंगे कि थर्ड आई एक्टिवेशन के क्या साइन है। उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि इस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है या इस मेडिटेशन से आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसका सही मतलब क्या है? क्या किसी की थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो सकती है या हो जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर किसी पर्सन की थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है तो वो इंसान उस एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, वो पागल हो सकता है, उसका सर फट सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी है थर्ड आई चक्रा में या हमारे किसी भी चक्रा में, इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी को हमारी ये फिजिकल बॉडी, ये जो हमारी फिजिकल नर्व्स हैं, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसमें ब्लड का फ्लो ही सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और जो लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट होती है पूरी तरीके से, वो योगी होते हैं, वो गुरु होते हैं, उन्होंने कई लाइफ लगाई होती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उनके गुरु ने उनकी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को उस तरीके से तैयार किया होता है कि वो उस एनर्जी को एक्वायर कर सके। उदाहरण के लिए अगर आपका एक जीरो वॉट का बल्ब है और उसमें आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर दें, उसमें आप 10 वॉट 20 वॉट का फ्लो कर दें, तो वो क्या होगा? फ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से अनलिमिटेड एनर्जी को अगर आप अपनी बॉडी में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं होल्ड कर सकते हैं। तो क्या थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती है? होती है, उसकी प्रक्रिया है, लंबा समय लगता है, और अगर किसी की एक पल में भी हो सकती है तो वो योगी होते हैं जो अपने शिष्यों को, जिन्होंने काफ़ी लाइफ लगाई होती है, उनको स्पर्श करते हैं उनके थर्ड चक्रा पे या थर्ड आई चक्रा पे, तो वो एक मिनट में ही एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी 2-3 लाइफ लगाई होती है अपने चक्रा पे और फिजिकल बॉडी को उस तरीके से तैयार की होती है। तो इसका क्या मतलब है? जब हम देखते हैं कि ये साइन मिलते हैं जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है या थर्ड आई मेडिटेशन की जो आप वीडियो देखते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है जब हमारे किसी चक्रा में एनर्जी का फ्लो होना शुरू होता है, जब हमारे किसी चक्रा की क्लिंजिंग होती है, तब हम कहते हैं वो चक्रा एक्टिवेट हो रहा है इन मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, सो आज हम जानेंगे कि जब आपके थर्ड आई चक्रा में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है, आज के टाइम में यही बहुत बड़ी बात है कि किसी का चक्रा क्लेंज हो जाए और किसी के चक्रा में एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं कि आपका चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और उसके आज हम 5 साइन जानेंगे कि आपके थर्ड आई चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आज के टाइम में ये इतना मुश्किल क्यों है अचीव करना? क्योंकि 90% लोगों के जो चक्रा है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हैं।
हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रा होते हैं, रूट चक्रा यानी हमारा जो मूलाधार चक्रा है वहाँ से लेकर सहस्त्र चक्रा तक। तो जो थर्ड आई है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, ये 6th एनर्जी पॉइंट होता है हमारी बॉडी का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है और जिसके थ्रू हम डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो थर्ड आई चक्रा में जब एनर्जी का फ्लो होता है तो हमें ये 5 साइन मिलेंगे, और अगर ये क्लेंज हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास पानी का एक पाइप है तो उसमें फ्लो होने के लिए वो अंदर से पूरा खाली होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। अगर उसमें पूरा कचरा भरा हुआ है तो आप एक एंड से कुछ भी डालिए, दूसरी एंड से बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से हमारे जो चक्रा हैं उसमें कचरा भरा हुआ है, 90% लोगों के चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक हैं। जब वो ब्लॉक हैं उनकी पूरी लाइफ क्लिंजिंग ही नहीं होती तो उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे हो सकता है। तो जब किसी के चक्रा की क्लिंजिंग होने लगती है, या तो यूनिवर्स करवाता है या वो पर्सन के ऐसे कर्मा होते हैं कि उसके चक्रा पहले से ही क्लीन होते हैं या क्लीन होने शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें एनर्जी फ्लो होता है, तो उसको ये साइन मिलने लगते हैं। अगर आपको ये साइन मिलते हैं तो या तो आपने अपने पास्ट लाइफ में इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है कि आपको इस लाइफ में गॉड गिफ्टेड ये चीज मिली है कि आपके चक्रा में एनर्जी फ्लो हो रहा है, या आप अभी कुछ सालों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं इसलिए आपको इस तरह के साइन मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 साइन जो आपको ये बताते हैं कि आपके थर्ड आई चक्रा में यानी आज्ञा चक्र में एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअसली होना शुरू हो गया है। फर्स्ट साइन या पहला संकेत होता है फीलिंग प्रेशर बिटवीन आईब्रोज, आपकी आंखों के बीचों बीच जो आपकी 2 आईब्रोज हैं इसके बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट बनता है वहाँ पे एक दबाव महसूस होना, एक प्रेशर महसूस होना। कई बार आप देखेंगे कि लगातार आपको पूरे दिन वहाँ पे एक प्रेशर महसूस हो रहा है, जैसे आप बिंदी लगा लेते हैं या कुछ वहाँ पे उंगली को टच करते हैं, जैसा आपको फील होता है वैसा एक प्रेशर आपको अंदर से महसूस होगा। कई बार बहुत ज़्यादा होता है और कई बार कम होता है, कई बार कुछ दिनों तक लगातार महसूस होता है फिर बंद हो जाता है फिर महसूस होता है। कुछ लोग जब मेडिटेट करते हैं उसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए वहाँ पे उस पॉइंट पे थर्ड आई चक्रा पॉइंट पे सेंसेशन फील होती है। इसका मतलब आपका जो चक्रा है वो क्लेंस हो रहा है और वहाँ पे एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। जो सेकेंड साइन होता है वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक्स होने लगते हैं, फ्रीक्वेंट हेडेक हो सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई आपको बीमारी नहीं है और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इस टाइम पे आपको बार बार हेडेक्स हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके थर्ड आई चक्रा में एनर्जी का फ्लो बढ़ गया है। एनर्जी फ्लो बढ़ने से या एक्टिवेट होने से होता क्या है, आप अपनी लाइफ के सभी सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, दूसरों से ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कम टाइम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जैसे देखा गया है कि कम एज के लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि बोलते हैं उनकी इंट्यूशन अच्छी थी, उनका थर्ड आई बहुत अच्छे से काम कर रहा था, यानी उनके चक्रा में एनर्जी बैलेंस बहुत अच्छा था। जो तीसरा साइन है वो ये है कि इंट्यूशन बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड इंट्यूशन, अंतर्मन की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और उसके मन में क्या चल रहा है आपको पता चल जाता है, वो इंसान अपने वर्ड्स बोलता है और आप बोलते हैं मैं यही बात बोलने वाला था, या आप कोई बात बोलते हैं और सामने से कोई बोलता है हम यही बात कहने वाले थे, आपने मेरे वर्ड्स ले लिए। क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? क्योंकि आपको उस इंसान के मन की आवाज़ महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है। सामने वाला पर्सन कैसा है, अच्छा है या बुरा, उसे देखकर आप फील कर लेते हैं कि उस इंसान की वाइब्रेशन कैसी है। आपको कोई डिसीज़न लेना है, आप बहुत ही आसानी से डिसीज़न ले पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आने लगता है। ऐसे लगता है कि आपके मन में बैठ के कोई सारी चीज़ें बता रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर दूसरों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नेक्स्ट लेवल पे होती है। ये साइन है कि आपके थर्ड आई चक्रा में एनर्जी फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो फोर्थ साइन है जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है टेलीपैथी।
टेलीपैथी बहुत ज़्यादा काम करने लगती है। टेलीपैथी का मतलब होता है जब हम अपने मन से किसी को संदेश भेजते हैं, इसे टेलीपैथी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस बात को सिद्ध किया गया है। तो जब आप किसी को विचार अपने मन से भेजते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करने लगती हैं। जो आपके लव्ड वंस हैं या जो आपके क्लोज वंस हैं, आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली आप अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहे हैं। आप अपने वर्ड्स को मन में सोच रहे हैं और वो इंसान वो बातें बोल रहा है या उसके मन की बातें आप पढ़ ले रहे हैं थ्रू टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है और टेलीपैथी के थ्रू कैसे मैसेज भेजते हैं, इसका एक डिटेल वीडियो, गाइडेड मेडिटेशन वीडियो चैनल पे दिया गया था, जिसे लाखों लोगों ने देखा और उन्हें फ़ायदा हुआ। कई लोगों के डिवोर्स रुक गए टेलीपैथी के थ्रू अपने पार्टनर को मैसेज भेज के। तो आप भी वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं अगर आप टेलीपैथी जानना चाहते हैं फर्स्ट लेवल क्या होता है। जो फिफ्थ साइन होता है वो ये होता है कि जब एनर्जी फ्लो हमारे थर्ड आई चक्रा में होता है, यानी हमारे नीचे की चक्रा से जो एनर्जी है वो ऊपर के चक्रा, हर्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा में जाती है, तो इंसान डिटैच होने लगता है मटेरियल वर्ल्ड से। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब नेम, फेम, पैसा, पावर, यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इंसान को वैराग्य होने लगता है, डिटैचमेंट होने लगता है। और जो हमारा कहते हैं आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उससे अटैचमेंट होने लगता है। उसके मन में क्वेश्चंस आने लगते हैं, व्हाई आई एम हेयर, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, और अगर मुझे और चीज़ें मिल जाएं, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाएं, तो क्या मैं परमानेंट हैप्पी रह सकता हूँ। ये क्वेश्चन उसे बार बार इतना परेशान करते हैं, उसका सोल पर्पस क्या है, कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उतना ही ज़्यादा अटैच होने लगता है। ये साइन है कि आपके थर्ड आई चक्रा में, आपके ऊपर के चक्रा में एनर्जी फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको इस तरह के 5 साइन मिलते हैं तो इसका मतलब है आपकी थर्ड आई चक्रा में एनर्जी फ्लो बहुत ही अच्छे से हो रहा है। या तो आपने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मा किए हैं जिसकी वजह से आपको गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें मिली हैं, या आप अभी कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये होता है तो ज़रूर शेयर करें।